शिंदे फडणवीस सरकार की नाकामियों के खिलाफ एकजुट महाविकास अघाड़ी 17 दिसंबर को मुंबई में निकालेंगे महामोर्चा। सत्ता से बेदखल होने के बाद से महाविकास अघाड़ी के तीनों घटक दलों के नेताओं से राज्य के शिंदे फडणवीस सरकार पर निशाना साधना शुरू किया है। इसी कड़ी में कांग्रेस एनसीपी और उद्धव ठाकरे की गुट की शिवसेना आगामी 17 दिसंबर को मुंबई में लड़ासी बाग से लेकर आजाद मैदान तक एक विशाल मोर्चा निकालेंगे। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार की नाकामियों के खिलाफ आगामी 17 दिसंबर को मुंबई में विपक्ष का संयुक्त मोर्चा निकाला जाएगा। यह ऐलान सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया। मोर्चा निकालने का फैसला महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेताओं की बैठक में लिया गया। यह बैठक राज्य विधानमंडल के आगामी शीतकालीन अधिवेशन के लिए विपक्ष की रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई थी। बैठक के बाद एमवीए के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें बताया गया कि मोर्चा भाई खाला स्थित जीजा माता उद्यान रानीबाग से आजाद मैदान तक निकाला जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को उद्धव ठाकरे एनसीपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार तथा कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोरात ने भी संबोधित किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्यपाल और बीजेपी के नेताओं द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज का लगातार अपमान किया जा रहा है। कर्नाटक द्वारा सीमावर्ती गांवों पर दावा किया जा रहा है और महाराष्ट्र से उद्योग दूसरे राज्यों में जा रहा है। इससे महाराष्ट्र की अस्मिता पर ही खतरा पैदा हो गया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस अवैध सरकार के कारण राज्य की छवि धूमिल हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज और ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले के बारे में जो टिप्पणियां की है, उसे महाराष्ट्र के महापुरुषों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। गुजरात में चुनाव जीतने के लिए महाराष्ट्र से उद्योगों को छीनकर गुजरात भेजा गया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगले साल कर्नाटक में चुनाव है तो क्या अब महाराष्ट्र के गांवों को तोड़कर कर्नाटक को दिया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की आम जनता, सामाजिक संगठनों और सिविल सोसाइटी से 17 दिसंबर के मोर्चे में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि मोर्चा का मुद्दा केवल राजनीतिक है बल्कि महाराष्ट्र के स्वाभिमान का सवाल है। पवार ने कहा कि 8 दिसंबर को एमवीए नेताओं की एक और बैठक होगी। पवार ने कहा कि 17 दिसंबर को पहले से ही राज्यपाल को हटा भी दिया जाता है तो भी यह मोर्चा निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र आज तक किसी के सम्मान से झुका नहीं है।